इनके वोट नहीं पड़ना और नहीं रहे तो मेरे पिता ने भी भेजो ठीक है माधव है वो आज सर आधे कह दो जो वोटर है वो ही जाए एक सेकंड बिल्कुल जय श्री राम जय श्री राम योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद स्कूटी स्कूटी लोग आ जा रहे हैं कई लोग आ रहे हैं यहाँ अंदर हाँ स्कूटी में कोई नहीं यहाँ कोई कितनी नहीं मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और इतिहास बनेगा। और मैं अभी सुबह चर्चा कर रही थी निर्विरोध होना बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई सामने वाला लड़ रहा उसको परास्त करके विजयी होना बहुत बड़े गर्व की बात है। और हमारे अविनाश जी एक फतेहपुर के लिए नहीं पूरी MLC की जो सीट है उसके लिए बहुत अच्छे व्यक्ति साबित होंगे क्योंकि अविनाश जी का जो स्वभाव है काम करने का तरीका है मैं बहुत बचपन से जानती हूँ और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लग रहा है कि पहली बार जो वोटर वोट दे रहे हैं उनको एहसास होगा कि किसी को हमने MLC बनाया है और फतेहपुर वाले लोगों को भी एहसास होगा कि पहली बार कोई MLC यहाँ से चुन के जा रहा है फतेहपुर के लिए मेरे सहयोगी के रूप में जनपद के विकास में उनकी सहभागिता रहेगी। और मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा इनको लखनऊ में रहना है तो जो भी लखनऊ के काम होंगे आपके माध्यम से बहुत कम। विपक्ष बहुत गदगद है विधानसभा सीटें बढ़ी हैं सपा की उसको लेकर कि लगातार जो है वो कांटे की टक्कर देगा क्या लगता है विपक्ष तो विपक्ष तो कह रहा था 300-400 सीटें हम जीतेंगे विधानसभा के समय पर क्या हुआ जनता स्वयं देख रही है। जीतना और हारना अलग विषय होता है सरकार में दोबारा 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र में जारी किया था उस पर पूरी तरह अमल भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2027 जब आएगा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले आज स्वयं गले में तख्तियाँ डाल के पुलिस के सामने या तो कह रहे हैं हम गलतियाँ नहीं करेंगे या हमें जेल में भेज दो। ये होता है एक शासन चलाने वाले व्यक्ति का गुंडागर्दी करने वालों के प्रति खौफ। समाजवादी पार्टी के आप देख रहे थे जब चुनाव हो रहा था ना कुछ लोगों को लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है कोशिश कर रहे थे सड़क में आने में जैसे ही सरकार बनी वो तख्तियाँ लेके थाने में पहुँचने लगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।